अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं ना? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया होगा। बाकी भी सब्जेक्ट देखो, अगर आप देखो, आपको हिस्ट्री के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको मराठी के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको साइंस के भी लेक्चर आ रहे हैं। तो सिर्फ मैथ्स पे जोर मत दो, आपका जो परसेंटेज बनेगा ना वो ओवरऑल सब्जेक्ट को मिला के बनेगा। तो सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि हम मैथ्स ही देखेंगे और बाकी सब नहीं देखेंगे तो एकदम गलत कर रहे हो। आप अपने लिए एक खड्डा खोद रहे हो और उसी ही खड्डे में आप जाके गिरने वाले हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जितने इंटरेस्ट से आप मैथ्स को सॉल्व या मैथ्स के लेक्चर सुनते हो, उतने ही इंटरेस्ट से आपको साइंस भी सुनना है, हिस्ट्री भी सुनना है, मराठी भी सुनना है और आगे इंग्लिश और ज्योग्राफी भी सुनना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं 1.3 क्रैमर रूल करवाऊंगा। ये रही वो क्रैमर रूल वाली एक्सरसाइज। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर 1.1 के बाद तो 1.2 आना चाहिए, फिर 1.3 आना चाहिए, तो 1.2 कहां गया? तो मैं कह दूं कि मैं 1.2 को आपको इन क्लास करवाऊंगा, ग्राफिकली मेथड। उसके लिए मेरे को ग्राफ बनाना होगा, सॉल्विंग करनी होगी, काफी बड़ी जगह लगेगी और हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको यहां पे ग्राफ सिखाऊं। तो मैं आपको ग्राफिकली सिखाऊंगा जरूर, लेकिन वो क्लास में, तब तक के लिए इंतजार करो। फिलहाल हम 1.3 पे चलते हैं। 1.3 में पूरे 3 मेन क्वेश्चन है। पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग। दूसरा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट। ये जो सम दिख रहे हैं वो डिटरमिनेंट बेस्ड है। अब अगर आपको इस तरह के सम आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखना ध्यान से। अगर आपको एक सम आ गया, दूसरा भी वैसे ही है, तीसरा भी वैसे ही है, एकदम पसंद। चलो सम देखते हैं। पहले मैं आपको लिख दूं सॉल्यूशन। अगर हमको डिटरमिनेंट बेस्ड सम आएंगे तो हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाजू में फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में माइनस, ये जगह बना के रखने का। अब ये जो जगह बनी है ना, इसमें लोगों को भरो। कैसे? देखो, मैंने समान कर रखा, ऊपर कौन लिखा, -1 × 4, देख रहे हो? ऐसे ऐसा रखने का अपने पे, ऊपर से नीचे आने का, -1 × 4, ये हो गया। फिर यहां ऊपर से नीचे क्या दिख रहा है, 7 × 2। फिर अगर आप उससे पूछते हो सर क्या ब्रैकेट के बीच में हमेशा माइनस ही आएगा, तो मैं बोलूंगा हाँ, अगर वो डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट है तो। फिर अगर आप उससे पूछते हो सर क्या इनके बीच में मल्टीप्लाई ही आएगा, तो मैं बोलूंगा हाँ, अगर वो डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट है तो। आई बात समझ में? तो पहले दो ब्रैकेट बनाने का, बीच में माइनस, जगह भरने का, ऊपर से नीचे आने का और बीच में मल्टीप्लाई दिखाने का। अब क्या है, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आएगा। चलो, माइनस प्लस माइनस, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। जब भी मल्टीप्लाई होगा ना तो पहले साइन बढ़ जाती है। माइनस प्लस माइनस, 1/4। इस माइनस के लिए कोई और है क्या अंदर? नहीं, माइनस एज इट इज, 7 × 2 = 14। सही है। और आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, बोलो माइनस माइनस प्लस। हाँ, मुझे प्लस करना है, 14 + 4 = 18। जब भी प्लस हो, जब भी माइनस हो, तो चीजें खत्म होगी बड़े नंबर की साइन के साथ। जब भी प्लस हो, जब भी माइनस हो, तो चीजें खत्म होगी बड़े नंबर की साइन के साथ। तो ये प्लस हो रहा है ना, तो चीज खत्म होगी बड़े नंबर की साइन के साथ। ये आपका सम खत्म। बहुत सारा is equal to सम नंबर 1 फिनिश। अब जो तरीका आपने सम नंबर 1 मिल गया है, वही तरीका आप सम नंबर 2 में भी लोगे और वही तरीका आप सम नंबर 3 में भी लोगे। बस कभी लोग डेसिमल में मिलेंगे, कभी लोग फ्रैक्शन में मिलेंगे, काम करते रहने का, ठीक है? चलो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले दो ब्रैकेट बनाएंगे और इस ब्रैकेट के बीच में माइनस, ठीक। अब ऐसा अपना पेन रख दो, मैं मार्कर रख देता हूं, 5 × 0। इधर आ जाओ, ऊपर से नीचे आने का,
3 × 7, जैसा कि मैंने पहले कहा था ब्रैकेट के बीच में माइनस ही आना है और आप कुछ नहीं पुट कर सकते और लोगों के बीच में मल्टीप्लाई ही आना है, तो नियम बना दो, बना दूंगी, ब्रैकेट के बीच में माइनस ही आना है, लोगों के बीच में मल्टीप्लाई ही आना है। सॉल्व करो, 5 × 0 = 0, 0 किस से मल्टीप्लाई हो 0 होता है ना, 0 × 10 = 0, 0 × 100 = 0, 0 किस से मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है, 5 × 0 = 0, माइनस का माइनस, 3 × 7 = 20, ठीक। और आगे बढ़ो, प्लस माइनस माइनस, 21 में से कुछ नहीं गया, 21 बचा और बड़े नंबर की साइन, मैंने पहले ही कहा था अगर आप प्लस कर रहे हो अगर आप माइनस कर रहे हो तो चीजें खत्म होगी बड़े नंबर की साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस 21 में से कुछ नहीं गया, 21 और बड़े नंबर की साइन, क्या सब खत्म हो गया, हाँ लास्ट में क्या करने का इक्वल टू, आ रहा समझ में, आ रहा है आना ही चाहिए, इतना आसान नहीं है तो फिर क्या आएगा। सम नंबर 3, सम नंबर 3 में जो आप ब्रैकेट बनाओगे उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रखना क्योंकि लोग फ्रैक्शन में है, बाकी काम वही होगा, ब्रैकेट बन गया इसमें क्या जाएगा माइनस, ऊपर से नीचे 7/3 × 1/2, ऊपर से नीचे आ जाओ 5/3 × 3/2, ठीक है, लोगों को धर दिए। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे दो फ्रैक्शन है बीच में मल्टीप्लाई है स्ट्रेट मल्टीप्लाई, क्या बोलोगे, दो फ्रैक्शन है बीच में मल्टीप्लाई है स्ट्रेट मल्टीप्लाई, क्या बोलोगे, दो फ्रैक्शन है बीच में मल्टीप्लाई है स्ट्रेट मल्टीप्लाई, ऊपर वाला से नीचे वाला, नीचे वाले से ऊपर वाले से नीचे वाला, नीचे वाले से, चलो 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, बीच में माइनस, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, सही है। मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में फ्रैक्शन के नियम सिखाया था, आप क्या क्या कर सकते हो जब फ्रैक्शन आता है, तो जरा फिर से एक बार सुन लो, जब लोग फ्रैक्शन में होते हैं ना तो हम तीन चीज कर सकते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा कॉमन डिनोमिनेटर, तीसरा स्ट्रेट मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तब जब दो फ्रैक्शन हो बीच में प्लस या माइनस हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं या मैं उसको इन डिटेल नहीं समझा रहा हूं, आगे चलते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई और कॉमन डिनोमिनेटर में कितना फर्क है, क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर अलग होते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तीसरा स्ट्रेट मल्टीप्लाई जो हमने इस समय किया, स्ट्रेट मल्टीप्लाई की क्या शर्त है, दो फ्रैक्शन होना चाहिए बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, स्ट्रेट मल्टीप्लाई की क्या शर्त है, दो फ्रैक्शन होना चाहिए बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐसे तो हो रहा है, दो फ्रैक्शन है हाँ, मल्टीप्लाई है हाँ, स्ट्रेट मल्टीप्लाई और ये रहा आपका रिजल्ट, दो फ्रैक्शन है हाँ, बीच में मल्टीप्लाई है हाँ, स्ट्रेट मल्टीप्लाई और ये रहा आपका रिजल्ट। अब जो नई चीज आई है ना उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नियम अनुसार दो फ्रैक्शन बीच में प्लस या माइनस, तो माइनस है, क्या बोलोगे आप, नियम अनुसार दो फ्रैक्शन बीच में प्लस या माइनस और डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर, जो 6 यहां है वो 6 यहां भी है तो वो 6 यहां भी है, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब देख रहे हो 7 − 15, तब बोलोगे 8 और बड़े नंबर की साइन, ठीक। अगर मैं 15 में से, ये बता ना 7 − 15, अगर मैं 15 में से 7 हटा लूं तो 8 बचेगा और बड़े नंबर की साइन। अब जो आई हुई चीज है उसको काटो, 2 × 3 = 2 × 4 = मैं इसके आगे और हल नहीं कर सकता, यही क्या है मेरा आंसर। और जब सब खत्म हो गया तो आखिरी में हर तरफ क्या कर दोगे, इक्वल डाल दोगे, समझा समझा, ये था आपका डिटरमिनेंट्स। अब इसी ही छोटे कंसेप्ट को ना आप आगे चल के क्रैमर रूल में बार बार इस्तेमाल करोगे, चलो आगे चलते हैं।
मेन क्वेश्चन थ्री के तरफ। एक्सरसाइज 1.3 मेन क्वेश्चन थ्री, आप हेड टॉपिक देख लो इसका, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग कौन सा रूल, क्रैमर रूल। कौन सा रूल, क्रैमर रूल, मैंने इसका जिक्र पहले ही किया था, अब हम इसको सॉल्व करना सीखें। मैं जब भी क्रैमर रूल के सम सॉल्व करूंगा तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में कुछ स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप, मैं वो जो दो इक्वेशन दिए होंगे ना उसको चेक करूंगा कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो ठीक, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये वैल्यूज निकालूंगा। उसके बाद मैं डी फाइंड करूंगा डी के फॉर्मूले से, मैं डीएक्स फाइंड करूंगा डीएक्स के फॉर्मूले से, डीवाई फाइंड करूंगा डीवाई के फॉर्मूले से, बाद में जुमला लिखूंगा बाय यूजिंग क्रैमर रूल, एक्स फाइंड करूंगा एक्स के फॉर्मूले से, वाई फाइंड करूंगा वाई के फॉर्मूले से। अब इन सारे स्टेप्स को सम में और डिटेल से देखते हैं। ठीक है, चलो पहला स्टेप चेक करो कि क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे वेरिएबल, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। चलो, तीन बार एक्स वेरिएबल, चार बार वाई वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, हाँ ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर वन। चार बार एक्स वेरिएबल, तीन बार वाई वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, हाँ ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर टू। और इसी ही के साथ मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप कंपेयर करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखना होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये आपको याद कर लेना है, इस जुमले को आपको याद कर लेना है। ये सब नंबर वन में भी लगेगा, टू में भी लगेगा, थ्री में भी, फोर में भी, फाइव में भी, सिक्स में भी। अगर आप इंडेक्स बुक देखो तो क्रैमर बेस्ड छह सम है, तो जब भी क्रैमर का जिक्र होगा और अगर हम स्टेप टू पे हैं तो हमको स्टेटमेंट लिखना है। चलो, अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है अगर ए वन चाहिए, है ना, मैं स्टेप टू से ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू फाइंड करने वाला हूं। तो ये स्टेटमेंट बोलता है अगर ए वन चाहिए तो पहले इक्वेशन में जाओ और x के आगे देखो, तो x के आगे क्या है, थ्री। अगर b1 चाहिए तो पहले इक्वेशन में जाओ और y के आगे देखो, तो y के आगे क्या है, माइनस फोर। अगर c1 चाहिए तो पहले इक्वेशन में जाओ, इक्वल टू के इस तरफ वाला c1। आई बस समझ पर, आगे चलते हैं। अब अगर a2 चाहिए तो क्या a2 पहले इक्वेशन से मिलेगा, नहीं, a2 कहां से मिलेगा, दूसरे इक्वेशन पर, तो जाओ दूसरे इक्वेशन पर, x के आगे वाला a2, x के आगे वाला 4, तो a2 कितना हो जाएगा, 4। वैसे ही अगर b2 चाहिए तो क्या b2 पहले इक्वेशन से मिलेगा, नहीं, b2 कहां से मिलेगा, दूसरे इक्वेशन से, तो दूसरे इक्वेशन पर जाओ, y के आगे वाला b2, y के आगे वाला b2, b2 is equal to 3। अगर c2 चाहिए तो दूसरे इक्वेशन के इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ, c2 is equal to 5। और ये मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। ठीक, तीसरा स्टेप डिफाइन करो डी के फॉर्मूले से, बोलो बोलो, तीसरा स्टेप डिफाइन करो डी के फॉर्मूले से। d इज इक्वल टू ए वन ए टू डी वन डी टू, ये फॉर्मूला है d के लिए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, डिटरमिनेंट कंसेप्ट से सॉल्व करो, आपको d मिल जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या मैं ए वन जानता हूं, तो आप बोलोगे हाँ, क्या मैं ए टू जानता हूं, तो आप बोलोगे हाँ, क्या मैं बी वन जानता हूं, आप बोलोगे हाँ, क्या मैं बी टू जानता हूं, आप बोलोगे हाँ। सुने, तो अगर आप ये सोच रहे थे ना कि सर क्या जरूरत थी इन छह को फाइंड करने की, इन छह को फाइंड
इसलिए मैंने किया क्योंकि इनकी जरूरत आगे लगने वाली है। देखो लगी ना, अब ये पार्ट को तो आपको आते ही है ना, कैसे सॉल्व करोगे? दो ब्रैकेट बनाओगे, बीच में माइनस, अब इधर आ जाओ, थ्री थ्री, इधर आ जाओ माइनस फोर फोर। मैंने इसको आपको इन डिटेल समझा चुका हूं जब हम इसका मेन क्वेश्चन टू सॉल्व कर रहे थे। ये मेन क्वेश्चन थ्री है ना, जब मैंने लेक्चर शुरू किया था उसमें मैंने आपको जो डिटरमिनेंट सिखाया वो यही तो था। सॉल्व करो, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस माइनस, अगर आप यहां ध्यान से देखो आपको माइनस दिखेगा, तो माइनस माइनस प्लस, फोर फोर जा सिक्सटीन, आगे बढ़ो प्लस प्लस प्लस, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, और ये आ गया डी की वैल्यू। मेरा तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब चौथा स्टेप डीएक्स फाइंड करेंगे डीएक्स के फॉर्मूले से, पांचवा स्टेप डीवाई फाइंड करेंगे डीवाई के फॉर्मूले से, सिक्स स्टेप एक्स फाइंड करेंगे एक्स के फॉर्मूले से, सेवन स्टेप वाई फाइंड करेंगे वाई के फॉर्मूले से। तो अब हर जगह फॉर्मूला आना है, फॉर्मूले को वैल्यूज लगनी है, वैल्यूज भेजो, डिटरमिनेंट जैसा सॉल्व करो, आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है, चलो डीएक्स फाइंड करते हैं। डीएक्स का फॉर्मूला सी वन सी टू बी वन बी टू, याद कर लो फॉर्मूला, याद कर लो। चलो वैल्यू पुट करते हैं, जब मैं सी वन जानता हूं तब बोलोगे हाँ, क्या मैं सी टू जानता हूं तब बोलोगे हाँ, क्या मैं बी वन जानता हूं आप बोलोगे हाँ, क्या मैं बी टू जानता हूं आप बोलोगे हाँ। इस वाले कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करोगे? बोले हो डिटरमिनेंट कैसे? पहले ब्रैकेट बना लोगे, बीच में माइनस, अब लोगों को भरो, या ऐसे रखो, ऐसे रखो, मार्कर रखो या पेन रखो या पेंसिल रखो, रखे ऊपर से नीचे आने का, टेन इंटू थ्री ऊपर से नीचे, फिर देर ऊपर से नीचे आओ, माइनस फोर इंटू फाइव, सॉल्व करो, टेन थ्री जा थर्टी, माइनस माइनस प्लस, फोर फाइव जा ट्वेंटी, प्लस 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 बीस और तीस पचास, यानी डीएक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है डीएक्स की। डीएक्स फाइंड हो गया, अब बारी है डीवाई को फाइंड करने की। देखो मैंने स्टेप्स मिटा दिया, मुझे जगह चाहिए था सम सॉल्व करने के लिए। आप क्या करना मालूम, आप लेक्चर के शुरुआत में वो जो स्टेप्स है ना अपने टेक्स्ट बुक में कहीं लिख लेना या कहीं नोटबुक में लिख लेना। अगर आपके पास स्टेप्स लिखे होंगे तो आप मुझको मैच करवा सकते हो कि मैं अकॉर्डिंग टू स्टेप्स ही चल रहा हूं ना। तो जिन्हों बच्चों ने नहीं लिखा है वो लेक्चर रिवाइंड करो और शुरुआत में स्टेप्स लिख के रखो। चलो अभी मत लिखो, पहले सुन लो मुझको। डीएक्स मिल चुका है, डीएक्स के बाद क्या मिलना है? डीवाई मिलना है। कैसे मिलना है? डीवाई के फॉर्मूले से। डीवाई का क्या फॉर्मूला है? ए वन ए टू सी वन सी टू। ये सारे फॉर्मूले ना आपको बाई हार्ट होना चाहिए कि डी का फॉर्मूला क्या है, डीएक्स का फॉर्मूला क्या है, डीवाई का फॉर्मूला क्या है, और आगे चल के एक्स का फॉर्मूला क्या है और वाई का फॉर्मूला है। अगर आप बाई हार्ट नहीं करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। चलो खैर, डीवाई का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट करता है। क्या मैं ए वन जानता हूं? तब बोलोगे हाँ, ए वन थ्री है, ए टू फोर है। क्या मैं सी वन सी टू जानता हूं? तब बोलोगे हाँ, टेन एंड फाइव। अब डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट समझे, क्यों आपको मेन क्वेश्चन टू में डिटरमिनेंट सिखाया गया था? आपने मेन क्वेश्चन टू में डिटरमिनेंट सीख लिया है, अब आगे चल के उसको ग्रामर में इस्तेमाल करो। चलो क्या करेंगे, दो ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में माइनस और ऊपर से नीचे आएंगे, थ्री इंटू फाइव टेन इंटू फोर, सॉल्व करो, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, माइनस के लिए और कोई नहीं है, माइनस टेन फोर जा फोर्टी, प्लस माइनस माइनस, चालीस में से पंद्रह गया, पच्चीस और बड़े नंबर की साइन। मैंने कहा था आपसे मैं जब भी प्लस करूं, मैं जब भी माइनस करूं तो मैं एंड करता हूं बड़े नंबर की साइन के साथ, मैंने किया। ठीक है,
डीवाई मिल गया है। अब मुझे आगे चल के एक्स फाइंड करना है, एक्स के फॉर्मूले से वाई फाइंड करना है वाई के फॉर्मूले से। लेकिन इससे पहले ना, इन दोनों को फाइंड करने से पहले मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा बाई क्रैमर्स रूल, और ये जरूरी है, ये भी एक स्टेटमेंट ही आता है। बिफोर फाइंडिंग एक्स एंड वाई आपको एक स्टेटमेंट लिखना है बाई क्रैमर रूल, जरूरी है वरना नंबर कटेंगे। चलो एक्स चाहिए, एक्स के फॉर्मूले से ये रहा फॉर्मूला, और फॉर्मूले को जो चाहिए क्या मैंने उसे ढूंढ के रखा हूं, अब बोलो क्या बी एक्स डी 25 कट 25 वन जा 25 टू जा ठीक। आगे क्या मैं डी वाई जानता हूं, तब बोलोगे हाँ माइनस 25। क्या मैं डी जानता हूं, तब बोलोगे हाँ 25 वन जा 25 वन जा। समझा? तो ये था आपका क्रैमर रूल। अगर आप चाहते हो कि आपको क्रैमर रूल बहुत अच्छे से आए तो आपको स्टेप्स एकदम परफेक्ट आना चाहिए, बाई हार्ट होना चाहिए। चलो बताओ जरा इसी बात को बताओ, तो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो दिए हुए इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, उसके बाद कंपेयर करके A1, B1, C1, A2, B2, C2। जब भी कंपेयर करोगे तो ये स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद डिफाइन करेंगे डी के फॉर्मूले से, डी एक्स फाइंड करेंगे डी एक्स के फॉर्मूले से, डी वाई फाइंड करेंगे डी वाई के फॉर्मूले से, फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे बाय क्रैमर रूल, एक्स फाइंड करेंगे एक्स के फॉर्मूले से, वाई फाइंड करेंगे वाई के फॉर्मूले से, और आपका सम। अब आगे मैं आपको सम नंबर 3 कराऊंगा और सम नंबर 6, दो बचते 3 सम है वो आप खुद से करोगे। आगे चलते हैं। अगर आप सम नंबर 3 देखो तो आपको बोर्ड पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखो स्टेप्स तो कॉमन है तो मैंने फॉर्मेट वैसे ही रखा, अब मेरी आसानी के लिए है ना, आप समझ जाना कि कब क्या करना है। सबको स्टेप्स याद है, हम स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे और जो खाली जगह है उसको भरते चलेंगे, ठीक। अरे बात समझ में आई, आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, ये मैंने अपने आसानी के लिए कि वक्त बर्बाद ना हो, मुझे ज्यादा ना लिखना पड़े, तो मैं पहले से फॉर्मेट वैसे रखा हूं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। चलो बताओ पहला स्टेप क्या है, बताओ। चेक करेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। इक्वेशन है, चेक करते हैं। एक बार एक्स वेरिएबल, दो बार वाई वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, हाई अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन नंबर 1। दो बार एक्स वेरिएबल, तीन बार वाई वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, हाँ ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप कंपेयर करेंगे, कंपेयर का स्टेटमेंट याद करना है आपको। चलो कंपेयर से हम क्या करते हैं, कंपेयर से हम A1, B1, C1, A2, B2, C2 फाइंड करते हैं। अगर मुझे A1 चाहिए तो A1 कैसे मिलेगा, आप बोलोगे पहले इक्वेशन के x के आगे वाला A1, पहला इक्वेशन के x के आगे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक। अगर मुझे B1 चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पहले इक्वेशन के y के आगे वाला B1। अगर मुझे C1 चाहिए तो आप क्या बोलोगे, पहले इक्वेशन के इक्वल टू किस तरफ वाला C1, पहले इक्वेशन के इक्वल टू किस तरफ वाला C1। तो आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकालने को आना चाहिए। चलो A2 कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा इक्वेशन के x के आगे वाला A2, दूसरे इक्वेशन के y के आगे वाला B2 इक्वल टू किस तरफ वाला C2 इक्वल टू किस तरफ वाला आई बस समझ में। तो या तो दूसरा स्टेप पूरा हो गया, तीसरा स्टेप डिफाइन करेंगे डी के फॉर्मूले से, क्या होगा फॉर्मूला याद करो, सम खत्म होने बाद आपको आ जाना चाहिए, मैंने फॉर्मूला पहले से लिख रखा हूं। चलो ब्रैकेट, क्या मैं A1 जानता हूं, आप बोलोगे हाँ, क्या मैं A2 जानता हूं, आप बोलोगे हाँ, क्या मैं B1 जानता हूं, हाँ, क्या मैं B2 जानता हूं, हाँ। सॉल्व करो, दो ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में माइनस, ऊपर से नीचे आओ 1 × -3, ऊपर से नीचे आओ 2 × 2,
मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे दो साइन साथ में है, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं। मैंने कहा था आपसे जब भी दो साइन साथ में होगी तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, ताकि वो साइन आपस में टकराए या लड़ाई ना करे। चलो सम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं पहले साइन मल्टीप्लाई करूंगा बाद में नंबर फिर अल्फाबेट। मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं पहले साइन फिर नंबर और फिर अल्फाबेट। तो चलो साइन देखते हैं, प्लस माइनस है ना, इस वन के पास कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस वन थ्री सा थ्री। इधर आ जाओ, माइनस के लिए कोई और है कि अंदर नहीं, तो माइनस एज इट इज टू टू सा फोर। चलो माइनस माइनस प्लस, मैं पहली बार देखूंगा ये चेक करने के लिए कि दी हुई चीज प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। चलो माइनस माइनस प्लस, आप बोले तो प्लस हो रही है, चार तीन सात। मैं जब भी प्लस करूं, मैं जब भी माइनस करूं, तो मैं चीज खत्म करता हूं बड़े नंबर की साइन के साथ। बड़ा चार है, चार के पास माइनस, तो उसके पास भी माइनस। इस तरह से आपने डी फाइन कर लिया। अब किसकी बारी, डी एक्स की बारी है। चलो डी एक्स फाइन करेंगे डी एक्स के फॉर्मूले से। क्या है फॉर्मूला, सी वन सी टू बी वन बी टू। क्या मैं सी वन जानता हूं, हाँ। क्या मैं सी टू जानता हूं, हाँ। क्या मैं बी वन जानता हूं, हाँ। क्या मैं बी टू जानता हूं, हाँ। वैल्यू पुट किया। अब इसको तो आपको शायद सॉल्व करने आता ही है। दो ब्रैकेट बनाने का, बीच में माइनस। अब ऊपर से लिखो, माइनस वन इंटू माइनस थ्री, ऊपर से लिखो टू इंटू टू। फिर मैं क्या देख रहा हूं, दो साइन एक साथ, तो ब्रैकेट। तो जब जब दो साइन एक साथ आएगी, मैं तब तब क्या करूंगा, ब्रैकेट डालूंगा। बोलो बोलो, जब जब दो साइन एक साथ आएगी, मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट। अब क्यों ब्रैकेट, ताकि वो साइन आपस में टकराए ना, लड़ाई ना करे। ब्रैकेट डाल दिया, आगे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले साइन फिर नंबर फिर अल्फाबेट। मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले साइन फिर नंबर फिर अल्फाबेट। तो पहले साइन पढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस दिखाओ तो भी चलेगा, नहीं दिखाओ तो भी चलेगा, ज्यादा अच्छा है कि मत दिखाओ। तो माइनस माइनस प्लस, थ्री वन जा थ्री। इस माइनस के अंदर है क्या, नहीं। टू टू एल जा ट्वेंटी फोर। प्लस माइनस माइनस, चौबीस में से तीन गया इक्कीस, और बड़े नंबर की साइन। ठीक ठीक, जरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय अपना बेसिक अप्लाई करो, जो आप अब तक सीखते आए हो। ऐसा तो है नहीं कि आज ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, बचपन से करता है। तो वही जो बारीक, वही जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जो आपको आता है वो सब अप्लाई कर दीजिए। और अगर नहीं आता तो मेरा सुन के अप्लाई करना शुरू कर दो। चलो जरा देखो, तो रिवाइज करो तो कितने स्टेप्स हो गए। मैंने सबसे पहले चेक किया कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, हाँ वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर मैंने कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू फाइंड किया। फिर मैंने डी फाइंड किया डी के फॉर्मूले से, डी एक्स फाइंड किया डी एक्स के फॉर्मूले से। अब आगे चल के डी वाई फाइंड करूंगा डी वाई के फॉर्मूले से। फिर जुमला लिखूंगा बाई क्रैमर रूल, एक्स फाइंड करूंगा एक्स के फॉर्मूले से, वाई फाइंड करूंगा वाई के फॉर्मूले से। समझे, जब जब क्रैमर रूल का जिक्र होगा आप एक ही स्टेप हर समय अप्लाई करोगे। ठीक, चलो डी वाई फाइंड करेंगे डी के फॉर्मूले से। क्या है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। क्या मैं ए वन जानता हूं, तो आप बोलोगे हाँ। वन ए टू टू सी वन माइनस वन सी टू ट्वेल्व। अब करो उसको डिटरमिनेंट कंसेप्ट से, दो ब्रैकेट, ब्रैकेट के बीच में माइनस, ऊपर से नीचे आओ वन इंटू ट्वेल्व, ऊपर से नीचे आओ माइनस वन इंटू टू। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं ऊपर से नीचे आने का, वन से ट्वेल्व माइनस वन से टू, नीचे तो पड़े आने का। हाँ चलो, कहीं दो साइन एक साथ है क्या, इधर दो साइन है लेकिन बीच में ब्रैकेट है। चलो कोई मसला, वन ट्वेल्व जा ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस, देखा माइनस माइनस प्लस। तो एक बाहर वाला माइनस, अंदर वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, वन टू जा टू, प्लस 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 बारह और दो चौदह। डी वाई फाइंड हो गया बाय ग्रामर रूल लिखने का, एक्स फाइंड करने का एक्स के फॉर्मूले से, वाई फाइंड करने का वाई के फॉर्मूले से। चलो एक्स फाइंड करते हैं, ये रहा फॉर्मूला। क्या मैं डी एक्स जानता हूं, तब बोलोगे हाँ माइनस ट्वेंटी वन। क्या मैं डी जानता हूं, तब बोलोगे हाँ माइनस सेवन।
माइनस माइनस कैंसिल, सेवन वन जा सेवन थ्री जा और ये आपका x, x हो गया, x के बाद y, y फाइंड करते हैं y के फॉर्मूले से, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं, क्या मैं dy जानता हूं? हाँ, क्या मैं ये जानता हूं? हाँ, चलो सेवन वन जा सेवन टू जा, ऊपर टू बच गया है, नीचे माइनस वन, मैं वन हटा दिया, सिर्फ क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस हम ऊपर भेज देंगे। और फिर अगर आप मुझसे पूछते हो क्या सर ये नीचे वाला माइनस हम ऊपर भेज सकते हैं? हाँ, नीचे वाला माइनस ऊपर भेजने के बाद लोग ऐसे देखें ना, अगर मैं नीचे वाला माइनस नहीं ऊपर भेजता तो लोग ऐसे देखते हैं, अच्छा लगता जैसा देखने में और नहीं लग रहा है, समझ में आया? तो नीचे हम वन कंसिडर नहीं करते हैं, वन को हटना ही है, देखो यहां देखो वन हट गया ना, तब तो पर कल्पिंग बचा, तो नीचे हम वन कंसिडर नहीं करते हैं, वन को हटा दिया, यहां पे माइनस अभी भी बचा है, तो ऐसा हम दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑड को सही करने के लिए नीचे वाला माइनस ऊपर देते हैं, आपका आंसर है। समझ में आ रहा है, क्रैमर रूल में हम डील कर रहे हैं, एक क्रैमर रूल को जिस तरह से सॉल्व किया गया है उसी ही तरह से हर क्रैमर रूल को सॉल्व किया जाता है, ठीक, समझ में आया? अब हम सम नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ये हमारा आज का लास्ट सम होगा और इसी के साथ हमारा 1.3 खत्म हो जाएगा। इस सम नंबर 6 से पहले मैंने दो सम इसी ही कंसेप्ट पे आपको सॉल्व करवाया, जो लॉजिक जो हिसाब आपने पिछले दो सम में लगाया था वही हिसाब आप इस सम नंबर 6 में भी लगा होता है, ठीक, बस एक हल्का सा फर्क होगा, उस फर्क को अपन समझ के हल निकाल लेंगे, काम करेंगे पुराना जैसा, अपना आंसर आ जाएगा। चलो सम शुरू करते हैं, बताओ हम लोग कौन से कंसेप्ट में डील कर रहे हैं? क्रैमर रूल में। क्रैमर रूल का सबसे पहला स्टेप हम चेक करते हैं कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर दिया हुआ इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिया हुआ इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद के स्टेप्स लेंगे। चेक करते हैं कि दो इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दो बार एक्स वेरिएबल, तीन बार वाई वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। हाँ, पहला इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूं। दूसरा इक्वेशन, एक बार वाई वेरिएबल, अब मैं यहां पे ना कुछ ऑड ऑब्जर्व कर रहा हूं, कुछ अजीब सा। अब आप बोलोगे अजीब सा क्या, साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, ये होता है ना साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी डिनोमिनेटर में कुछ देख रहा हूं क्या? नहीं। तो आप क्या कहोगे मानो? आप कहोगे जो साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे डिनोमिनेटर एब्सेंट होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता है, और यहां देखो डिनोमिनेटर में 2 है, तो जो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए था वो डिनोमिनेटर है, तो ये मिसमैच कर रहा है ना। आखिरी में मैं ये कहूंगा कि ये जो दूसरा इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नहीं, जब तक मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर लेता मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आई बात समझ में? देखो फिर से सुनो, मेरा पहला स्टेप मैं चेक करूंगा कि जो दिए हुए इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। पहला वाला इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन दूसरा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर कोई पूछे कि क्यों या कैसे मालूम पड़ा कि इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर एब्सेंट होता है और यहां पे डिनोमिनेटर है, तो इस वजह से ये चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब नहीं है तो हमारा काम हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो, यहां पे किस वजह से लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप बोलोगे ये जो नीचे में 2 है ना, इस वजह से लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब आपको मैंने तरीका सिखाया, जब भी हमको
डिनोमिनेटर से एक्स्ट्रा हटाना हो तो हम उसी से उसी को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने पिछले कुछ लेक्चर में सिखाया है ना, अगर मुझे 2 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में है ना, अगर मुझे 2 नहीं चाहिए तो उसका हल क्या होगा? इसका हल ये होगा कि जो नहीं चाहिए मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 2। सुने, जो नहीं चाहिए या जो एक्स्ट्रा है हम उसी से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको लग रहा है 2 एक्स्ट्रा है तो मल्टीप्लाई बाई 2, सॉल्व करने पे वो जो एक्स्ट्रा है वो हट जाएगा और मेरे लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करने लग जाएंगे। अगर ऐसा होता कि 4 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, फिर आप बोलते एक्स नहीं चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बाई एक्स करता हूं। तो आप एक नियम बना सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए और डिनोमिनेटर है तो उस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करके हटाएंगे। आप एक नियम बना सकते हो कि डिनोमिनेटर में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है तो उस एक्स्ट्रा चीज को मल्टीप्लाई करके हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो। खैर, मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूं इस सोच से कि लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। अब जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई अपॉन 2 2 इंटू 2 आप हर तरफ मल्टीप्लाई करते हो। मैथ्स का नियम है जो एक के साथ हो सबके साथ, तो 2 पहले वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 तीसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एक्स 2x ये 2 और ये 2 कैंसिल, y ये 2 और ये 2 कैंसिल 1। अब देखो मल्टीप्लाई करने बाद जो नया इक्वेशन आया क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? 2 बार x वेरिएबल 1 बार y वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर और डिनोमिनेटर भी देखो गायब है। तो जो लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे क्या अब लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? हाँ। क्या अब मैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकता हूं? हाँ। क्या दूसरा स्टेप? कंपेयर करेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2 को फाइंड करेंगे। चलो, ये जुमला आपको लिखना ही है कंपल्सरी, बिना जुमले के हो नहीं सकता कुछ। A1 कैसे मिलता है? पहले इक्वेशन के x के आगे A1, पहले इक्वेशन के x के आगे A1। B1 कैसे मिलता है? पहले इक्वेशन y के आगे B1, पहला इक्वेशन y के आगे B1। C1 कैसे मिलता है? पहला इक्वेशन के इक्वल टू के इस तरफ वाला C1। अब बारी A2, B2, C2 फाइंड करने की। A2 कैसे मिलता है? दूसरा इक्वेशन में जो x दिखेगा उसके आगे वाला A2। B2 कैसे मिलेगा? दूसरा इक्वेशन उसमें जो y दिखेगा उसके आगे वाला B2। C2 कैसे मिलेगा? दूसरा इक्वेशन इक्वल टू के इस तरफ वाला। चलो, दूसरा इक्वेशन x के आगे वाला A2, दूसरा इक्वेशन y के आगे कुछ नहीं तो 1 और माइनस में दिखाता है C2 1। ठीक, आपके दो स्टेप पूरे हो गए। आपने चेक किया कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, आपने नेसेसरी स्टेप्स लेके लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने कंपेयरिंग किया A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड कर लिया। अब डी फाइंड करेंगे डी के फॉर्मूले से, डी एक्स फाइंड करेंगे डी एक्स के फॉर्मूले से, डी वाई फाइंड करेंगे डी वाई के फॉर्मूले से, एक्स स्टेटमेंट लिखेंगे एक्स फाइंड करेंगे एक्स के फॉर्मूले से, वाई फाइंड करेंगे वाई के फॉर्मूले से। मैं सब बना के रखा हूं पहले से ताकि लिखने में समय बर्बाद ना हो। आपको पहले से नहीं लिख कर रखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आना है। ठीक है, चलो। क्या मैं A1 जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, 2 2। क्या मैं B1 जानता हूं? आप बोलोगे हाँ। सॉल्व करो उसको डिटरमिनेंट के कंसेप्ट से। 2 ब्रैकेट बना लो, बीच में माइनस ऐसे आओ, 2 इंटू माइनस 1 ऐसे आओ, ऊपर से नीचे 3 इंटू 2 देखो कहीं पे 2 साइन है क्या? हाँ, ब्रैकेट। ठीक है, चलो। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब भी मैं मल्टीप्लाई करूं सबसे पहले मैं साइन पढ़ता हूं, प्लस माइनस माइनस 2 1 2। इस माइनस के लिए और कोई माइनस है क्या? नहीं, 3 2 6। माइनस माइनस प्लस 6 2 8 बड़े नंबर की साइन। ये सब
मैं इसलिए इस पार्ट पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। डी मिल चुका है, डीएक्स मिलेगा कैसे? डीएक्स के फॉर्मूले से, फॉर्मूला लिखा हुआ है सी वन टू सी टू वन बी वन थ्री बी टू माइनस वन। चलो दो ब्रैकेट बनाएंगे तो बीच में माइनस, ऐसे ऊपर से नीचे आओ, टू इंटू माइनस वन ऊपर से नीचे आओ, थ्री इंटू वन। देखो कहीं पे दो साइन है क्या? हाँ यहाँ पे है, क्या कर दोगे? ब्रैकेट। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, लोगों के बीच में मल्टीप्लाई हो गए। जब भी मल्टीप्लाई हो सबसे पहले साइन है, प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर टू अंदर टू, फिर अल्फाबेट। अल्फाबेट है नहीं तो छोड़ो, कोई मसला नहीं। माइनस का माइनस, थ्री वन का थ्री, माइनस माइनस प्लस, तीन दो पांच, और बड़े नंबर की साइन। ठीक, डी मिल गया डी के फॉर्मूले से, डी एक्स मिल गया डी एक्स के फॉर्मूले से, अब डी वाई मिलेगा डी वाई के फॉर्मूले से। फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या मैं ए वन जानता हूं? अब बोलोगे हाँ। टू टू, क्या मैं सी वन सी टू जानता हूं? तब बोलोगे हाँ। अब आप सॉल्व करोगे उसको डिटर्मिनेंट कंसेप्ट से, ब्रैकेट बना लोगे बीच में माइनस और ऊपर से नीचे, टू वन जा टू टू जा टू वन जा टू 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 जा फोर, प्लस माइनस माइनस, चार में से दो गया दो, और बड़े नंबर की सेवन। ठीक, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा बाई क्रैमर रूल, एक्स फाइंड करूंगा एक्स के फॉर्मूले से, ये रहा एक्स का फॉर्मूला। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या मैं डीएक्स जानता हूं? तब बोलोगे हाँ। माइनस फाइव, क्या मैं डी जानता हूं? तब बोलोगे हाँ। माइनस एट, माइनस माइनस कैंसिल, ये और नहीं कर सकता, तो यही मेरा एक्स का क्या होगा आंसर। ठीक, इसको मत काटना वरना लोग डेसिमल में आ जाएंगे, तो इधर भी संकुच छोड़ देना। एक्स मिल चुका है, अब हम किसको फाइंड करेंगे? वाई। कैसे फाइंड करेंगे? वाई के फॉर्मूले से, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करते हैं। क्या मैं डी वाई जानता हूं? तब बोलोगे हाँ। माइनस टू, क्या मैं डी जानता हूं? तब बोलोगे हाँ। माइनस एट, माइनस माइनस कैंसिल, टू वन जा टू फोर जा, आंसर आ गया वन अपॉन फोर। ठीक, इधर से आपको एक्स मिल गया, इधर से आपको वाई मिल गया। तो जितने भी साइमल्टेनियस कंसेप्ट है ना, चाहे वो सिंपल साइमल्टेनियस, चाहे वो क्रैमर, चाहे वो ग्राफिकली, आपको उनके आखिरी में एक्स और वाई ही मिलेगा। ठीक, तो हमेशा जब भी आप क्रैमर सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो, या आप जब भी सिंपल साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हो, तो एट द एंड आप उम्मीद करोगे एक्स और वाई, और वो आपका अंत होगा। इस तरह से मैंने आपको 1.3 फिनिश करवा दिया। मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1.4 सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए।